आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। कल एक 72 इयर्स ओल्ड मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनको जेएमसी में मृत घोषित किया गया। पूरी जानकारी के लिए परिवार के एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानूंगी कि आखिरकार क्या हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से यहां पर ये गलती साबित कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सर क्या हुआ, क्या था कल? मैम कल कोई शाम को 4 बजे के बाद इन्होंने हमें कॉल किया कि आपका पॉजिटिव आ गया है, पेशेंट इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद मैम हम कोई 6 बजे के बाद हमने वो डेड बॉडी अपना लेने का फैसला इसलिए चुना कि ये अंतिम संस्कार जो है हम थोड़ा लेट करें जी, और ऐसी जगह को चुना जहाँ पर पहले भी अंतिम संस्कार जिस लेडी का हुआ था, COVID-19 उधमपुर से जो डेथ हुई थी, उनका भी वहीं पर हुआ था। हमने दोनों चीजों का ध्यान इसलिए रखा कि हमारे जम्मू निवासी किसी को भी किसी तरीके का पैनिक ना हो। उसके बाद मैम ऐसा होता है कि हम अपनी डेड बॉडी लेके मॉर्चरी, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी इतनी फेलियर नजर आता है कि हमने मॉर्चरी में हमारे साथ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट का बंदा नहीं था हेल्थ का जी। हमने खुद ही मॉर्चरी खोली, हमने खुद ही उनकी डेड बॉडी खुद ही उनको पैक करके हम लेके आए हैं जोगी गेट। मैम जैसे हम जोगी गेट के पास पहुंचते हैं, हमने जोगी गेट के पास जो वहाँ के कॉर्पोरेटर मैडम है वार्ड नंबर 6 की, उन्होंने गाड़ी को रुका दिया। वो कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, हम आपको यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे जी। मैम हमें समझ नहीं आया कि जिस वक्त उधमपुर वाली लेडी का यहाँ पर बिल्कुल उस वक्त मैडम कौन में थी। सर क्या जो बुजुर्ग हैं, क्या इससे पहले कोई सिम्टम आए थे उनको, कुछ कुछ जानकारी, कुछ लक्षण COVID-19 के, या अचानक ही एसिम्टोमेटिक केस था ये? मैम कोई भी लक्षण कुछ भी ऐसा नहीं था जी। इन्होंने बड़े आराम से चाय पिए शाम की, उसके बाद ये कोई आधे घंटे के बाद चाय पीने के बाद इनको हल्का सा एक बेहोश से हुआ है। हमने सोचा कि शायद ये इनको शुगर भी नहीं था जी, इनको बीपी भी नहीं था, इनको शुगर भी नहीं था, इनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी जी। तो फिर हमने इसको एक दूसरे तरीके से ये सोचा कि शायद माइनर हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उधर उन्होंने ब्रॉड डेड प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा कि ये मर चुकी है और ब्रॉड डेड जी। उसके बाद मैम हमें 2 घंटे लग जाते हैं वहां पर डेड बॉडी को देखते हुए, डेड बॉडी उठा के हमें 2 घंटे लगे मॉर्चरी में पहुंचते 7:30 बजे से लेके 9:30, 9:30 बजे हम मॉर्चरी में अपनी डेड बॉडी जो है वो जमा करवाते हैं जी। तब तक मैम कोई भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से COVID-19 का सैंपल नहीं लिया गया जी। हाँ वो अब हो सकता है कि रात को उन्होंने मॉर्चरी खोल के सैंपल लिया है या सुख लिया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने। उसके बाद से फिर हमें 4 बजे रिपोर्ट मिलती है कि ये पॉजिटिव केस था, तो कोई फैमिली जो है आपको इन्होंने फिर 4 बजे के बाद हम 6 बजे तो वहां चले गए डेड बॉडी के पास कि उसको अंतिम संस्कार करेंगे जी। हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत हो इस वजह से कि शायद हमारे आसपास ही कोई बॉडी उसको दिलाया जा रहा है, उसका विस्तरा हो। लेकिन मैम ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से और वहाँ की कॉर्पोरेटर जो मैडम है उनकी वजह से ये संस्कार नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या कहा, आप कितने बजे सर, आप कितने बजे वहाँ पर पहुँचे थे, क्या कहा गया वहाँ की कॉर्पोरेटर रितु चौधरी के द्वारा? मैम 8:15 बजे, 8:15 बजे 8:30 बजे हम जोगी गेट पहुंच चुके थे डेड बॉडी लेके जी। वहाँ की मैडम ने गाड़ी को उधर ही खड़े खड़े ही मोड़ दिया, वहाँ के SHO साहब और पुलिस भी उनके लिए उनको रुकाया नहीं कि ये गलत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नजर आता है। उन्होंने सर उन्होंने क्या तर्क दिया, क्या कहा वहाँ के कॉर्पोरेटर ने आपसे, जब आप रास्ते में थे आप अंतिम संस्कार करने के लिए? अमूमन हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जब सूरत ग्रुप हो जाता है हम नहीं करेंगे, लेकिन आपने फिर भी ऐसा किया, आपने फिर भी वहाँ पर अंतिम संस्कार करने का सोचा। हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम हमने ये टाइम इसलिए चुना कि रात के 9 बजे के बाद सब लोग अपने घरों के अंदर होते हैं जी। हम अपने हर एक चीज से परे होके हमने ये फैसला पूरे परिवार ने लिया कि इस वजह से किसी को भी जम्मू में दिक्कत ना हो जी। लेकिन हमारी कॉर्पोरेटर मैडम शायद उनके सीने में दिल नहीं है, इतना दर्द तो हमें उनके मरने का नहीं हुआ जितना दर्द हमें उस कॉर्पोरेटर मैडम के फैसले से हुआ कि जब वो बोल रहे थे उस वक्त हमें दर्द हो रहा था कि इतनी
छोटी सोच वाले लोग भी हमारे जम्मू में रहते हैं, पता नहीं था लेकिन अब पता चलने लग इससे गया। पहले सर उधमपुर में जो महिला की मृत्यु हुई थी कोविड-19 के कारण, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ था, तब कोई सवाल नहीं उठाया गया था, तब प्रशासन की निगरानी में हुआ था। मैम उस टाइम पे प्रशासन ने पूरी इनका साथ दिया था, लेकिन हमारे टाइम पे हमें एक भी प्रशासन के मेंबर ने साथ नहीं दिया जी, सिंगल एक बंदे ने भी कोई साथ नहीं दिया। कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको क्या एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है? हाँ जी मैम, उन्होंने एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड करवाई थी। तो अभी किस तरह का माहौल है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ से कोरोना का कहर और दूसरी तरफ से अब तो बात इलाकों को बांटने की हो गई है। हाँ जी, हाँ जी मैम, अब तो इलाके ही बंटने लगे हैं। जैसे 47 से पहले हम सुनते थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम इसलिए रखा था कि हम रहते थे, चलो जो रजवाड़े थे वो तो फिर थोड़े बड़े थे, अब तो इलाके छोटे छोटे हो गए। अब तो मैडम जी ऐसे बोल रही है कि उन्हीं का इलाका है ये। चलिए शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। ये बहुत शर्मनाक बात है, मैं सीधे तौर पर कह दूं कि उधमपुर से जो महिला ताल्लुक रखती थी वो सीधे तौर पर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया था, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठाया गया था, तब प्रशासन की निगरानी में पीपी किट जो यहाँ से जब वाकया सामने आते कहीं ना कहीं मानवता को झंझोर देते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके परिवार पर पहले ही दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है, और उसके बाद परिवार वालों को रोका जाता है और परिवार वालों को एक पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, ये मेरा इलाका है। हम हमेशा कहते हैं कि हमें एकजुट रहना है, प्रधानमंत्री ने कहा हमें एकजुट रहना है, देश के साथ चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल ये उठता है कि क्या मौत के बाद भी इस तरह से दूरियां बढ़ने लगी हैं कि अब अंतिम संस्कार के लिए भी कॉरपोरेटर जो है वो स्थान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा इलाका है। ये बहुत शर्मनाक और कहीं ना कहीं मानवता को झंझोड़ता है। शायद कोरोना के कहर में इंसानियत खत्म हो चुकी है, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। हम हमेशा कहते थे कि हमें एक साथ रहना है, हमें एक साथ चलना है, हराना है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की जंग हार गया उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए कॉरपोरेटर कहते हैं कि यहाँ पर जगह ही नहीं है, हम यहाँ पर वो इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मैं यहाँ की कॉरपोरेटर हूँ, आप यहाँ पर अंतिम। जम्मू में बहुत ही ये घिनौना या फिर मैं कहूँ शर्मनाक वाक्या कॉरपोरेटर की तरफ से आ गया। इससे पहले उधमपुर की महिला का अंतिम संस्कार किया गया तो प्रशासन की निगरानी में किया गया था, ये बड़ा सवाल था, लेकिन आज इनको जब पता चलता है कि कोई लक्षण ही नहीं है कोविड-19 के उन व्यक्ति में, और ये जब मॉर्चुरी में वहां पर जाते हैं ये पूरी तरह से कह रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद नहीं की है, चार लोग हमेशा अंतिम संस्कार में होते, दो लोग शाम के समय, हमारे यहाँ पर कहते कि सूरज ढलने के बाद हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने किया क्योंकि इनको पता है कि कोरोना का कहर कैसा है, दूसरों की सुरक्षा के लिए वहां पर गए और इन्होंने वो इलाका चुना, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर इस तरह से कॉरपोरेटर का बर्ताव दिल तोड़ गया। और अभी भी जो ये वहां पर मौजूद है, सर अभी भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद है? मैम अभी तो मैं टेस्ट करवाने के लिए आया हूँ क्वारंटाइन सेंटर में जी। मैम हमारे दो जो ब्रदर, इनके जो बेटे हैं और इनकी जो जवाई हैं जिनकी डेथ हुई है, वो दोनों सुबह 6:30 बजे से वहीं पर बैठे हैं जी। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि अपने चार बंदे लाए जो डेड बॉडी को उठा के लेके जाए, यानी कि अभी भी वो जो शव है वहीं पर है। हाँ जी मैम, अभी भी शव जो है वो मॉर्चरी में ही पड़ा हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि आप अपने चार बंदे लाएं, वही उनको मॉर्चरी से निकालें, वही उनको लेके जाएं, वही उनका संस्कार करके आएं, उनकी तरफ से एक भी टीम नहीं दी गई जो इनके साथ हेल्प करे। चलिए साफ तौर पर अब हॉस्पिटल प्रशासन की भी यहाँ पर हरकत सामने आई कि आप खुद ही आइए, खुद ही मॉर्चुरी से शव को उठाइए, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मनाक वाकया है, जिंदगी की जंग जो है वो व्यक्ति हार गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत भी अब हार रही है क्योंकि कोरोना का कहर ही ऐसा है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार।